हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए एग्जामिनेशन के बाद। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए देखिए और समझते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। पहली बात कि अगर आपने एग्जामिनेशन को दे दिया है, एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है, तो आप सोचना बंद कर दीजिए एग्जामिनेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन आपका क्या हो गया, ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो एग्जामिनेशन के बारे में अच्छा गया बुरा गया ये सब ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। अब अगली कहानी है कि क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और अच्छा फूड खा सकते हैं और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए हमें, अब बात करते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आप पास करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना चाहिए और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने कैसा एग्जामिनेशन परफॉर्म किया है। अगर आपने अच्छा एग्जामिनेशन में नहीं परफॉर्म किया है तो थोड़ा सोचिए, ज़्यादा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा। कूल दिमाग से सोचने की जरूरत है कि भाई मैं क्यों नहीं क्वालिफाइड कर पा रहा हूं। आगे भी और हम कुछ विशेष बारे में इस चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपनी इस फील्ड में सफलता सुनिश्चित करें, तो आप हमारे यहाँ नए बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। आपको एक महीना के बाद ही, पढ़ने के एक महीने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा और आप अपने आप को श्योर पाइएगा कि आपकी सक्सेस 100% गारंटेड है। इसलिए आप अपना समय राइट प्लेस पर स्पेंड करें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं, उस पर हम बात करते हैं। पहला चीज कि अगर आपने अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं किया है तो अब आगे की कहानी है, प्लान करिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। बिना रुके हुए ही एग्जामिनेशन का प्लान करिए। एग्जाम तो बार बार आते हैं लेकिन अवसर बार बार नहीं आते हैं। जितना जल्दी आप क्वालिफाई करेंगे आपके लिए नए अवसर खुल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी को प्लान कीजिए और देखिए कि हम कैसे समय का इस्तेमाल करें, राइट समय का इस्तेमाल कैसे करें राइट प्लेस पर, कि ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि आपके लिए बेहतर क्या होगा। लेकिन टेकन टुगेदर अगर सरल भाषा में कहें तो आपको क्या चीज पर फोकस करना चाहिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, इम्प्रूव करना चाहिए, आपके स्टडी प्लान को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सेलेक्ट करें राइट स्टडी मटेरियल का, सही स्टडी मटेरियल का चयन करें और प्रिपेयर करें शॉर्ट नोट्स, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में इससे आपको फायदा हो। और रेगुलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही कुछ है। अगर आपको जेके बायोलॉजी क्लास अच्छा लगता है तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस भी पब्लिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।